हेलो बच्चों, स्वागत आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास शर्मा आपको ऊष्मा गतिकी करवा रहा हूँ। इसके अंदर अब तक अपने जो पढ़ चुके हैं वो दो इंजनों की बात कर चुके हैं। एक तो अपने वाप इंजन की बात कर लिए, दूसरे अपने ऑटो या पेट्रोल इंजन की बात कर लिए। तीसरा जो अपने लास्ट इसके अंदर आता है वो आता है डीजल इंजन। तीसरा जो इंजन है वो है डीजल इंजन, ठीक है। तीसरा जो इंजन है वो डीजल इंजन है आपका, ठीक है। तो पीछे अपने जो लास्ट बात की थी वो अपने पेट्रोल इंजन की बात की थी। जो अपने लास्ट क्लास के अंदर बात कर रहे थे वो किसकी बात कर रहे थे, वो पेट्रोल इंजन की बात कर रहे थे। और पेट्रोल इंजन की दक्षता आप लोगों ने देखा था कि 50% से भी क्या थी, कम थी। तो जो पेट्रोल इंजन था उसकी दक्षता आप लोगों को मैंने 45% बताई थी। पेट्रोल इंजन की दक्षता 45% बताई थी, यानी आप लोग देख सकते हैं कि जो पेट्रोल इंजन है इसकी दक्षता 50% से भी क्या है, कम है। और जो अपने वाप के इंजन की बात की थी उसकी दक्षता तो 10% के आसपास ही थी, यानी उसकी दक्षता तो अपने 8-10 के बीच में थी। और इसकी दक्षता जो वो लगभग कितनी है, 45% है, यानी 50% से भी पेट्रोल इंजन की क्या है, दक्षता कम है। तो अपने दक्षता बढ़ाने के लिए अपने क्या कर सकते हैं, तो दक्षता बढ़ाने के लिए अपने को दाब बढ़ाना पड़ता है। परंतु जब अपने बात करते हैं पेट्रोल इंजन की तो आप लोग क्या करते हो, एक वायुमंडलीय से 27 वायुमंडलीय दाब तक की पेट्रोल इंजन में दाब बढ़ा सकते हो। यानी जब संपीड़न करवाया जाता है, 4 स्ट्रोक इंजन था वो 4 स्ट्रोक में चलता है, तो अपने जब संपीड़न करवाते हैं उसका, तो संपीड़न करवाने से दाब का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। दाब का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। और दाब का मान बढ़ने के बाद में अपने क्या करते हैं, दाब का मान बढ़ने के बाद में अपने उसमें चिंगारी उत्पन्न करते हैं। दाब का मान बढ़ने पर अपने क्या करते हैं, उसमें स्पार्किंग प्लग होता है, जो स्कूलिंग प्लग होता है उससे चिंगारी उत्पन्न करते हैं। और चिंगारी उत्पन्न करने के बाद में उसमें क्या हो जाता है, दहन होना शुरू हो जाता है, जिससे इंजन जो है वो कार्य करना प्रारंभ कर देता है। परंतु उसमें सबसे बड़ी समस्या ये थी कि अगर अपने उसकी दक्षता बढ़ाएं, अगर अपने क्या करें उसकी दक्षता को बढ़ा दें, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दाब का मान बढ़ाना पड़ेगा। ये जो दाब यहाँ पर है इस दाब को आपको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। यानी जो संपीड़न का दाब है इसे क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। परंतु अगर अपने पेट्रोल इंजन के अंदर क्या करें, दाब के मान को बढ़ा दें, तो आपको पता है कि पेट्रोल एक ज्वलनशील पदार्थ है, ठीक है। अन्य पदार्थों की तुलना में ये क्या करता है, ज़्यादा जल्दी जो है वो जलना प्रारंभ कर देता है। तो दाब का मान बढ़ाने पर क्या होता है, एक सीमा से अधिक दाब बढ़ाने पर बिना चिंगारी उत्पन्न किए ही पेट्रोल में क्या शुरू हो जाता है, दहन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो पेट्रोल के अंदर सबसे बड़ी समस्या क्या थी, पेट्रोल के अंदर सबसे बड़ी समस्या यही थी कि एक निश्चित सीमा के बाद में बिना चिंगारी उत्पन्न किए ही उसमें क्या हो जाता है, दहन होना शुरू हो जाता है, जिस वजह से अपने क्या नहीं कर सकते, दाब के मान को और अधिक बढ़ा नहीं सकते, ठीक है। इसलिए अपने क्या किया जाता है, इसलिए अपने इसके अंदर डीजल इंजन जो है उसे काम में लिया जाता है, ठीक है। तो डीजल इंजन जो होता है, डीजल इंजन जो है वो काम में लिया जाता है। और डीजल इंजन के अंदर जो है वो वायु और पेट्रोल का जैसे मिश्रण अपने डाल रहे थे इंजन के अंदर, ऐसा नहीं करते हैं। इसके अंदर पहले वायु को डाला जाता है, वायु का संपीड़न करवाया जाता है, और डीजल जो है वो अलग से अपने क्या करते हैं, इसके अंदर प्रवेश करवाते हैं, ठीक है। तो ये अपने कुछ एक बात थी डीजल इंजन की, कि डीजल इंजन जो है उसकी ज़रूरत अपने क्यों पड़ती है, उसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि पेट्रोल इंजन जो है उसकी दक्षता 50% से भी कम है, लगभग 45 आप लोग लिख सकते हो। तो दक्षता कम है, दक्षता बढ़ाने के लिए अपने दाब बढ़ाना पड़ेगा। अगर दाब बढ़ा दें तो क्या होगा, दाब बढ़ाने पर जो पेट्रोल है वो अपने आप जलना क्या कर देगा, प्रारंभ कर देगा। इसलिए एक निश्चित सीमा से अधिक अपने क्या नहीं कर सकते, उसमें दाब जो उसका मान बढ़ा नहीं सकते। इसलिए अपने काम में लिया जाता है कौन सा इंजन, डीजल इंजन। जर्मनी के वैज्ञानिक थे डीजल, उन्होंने क्या किया, डीजल इंजन का आविष्कार किया। डीजल इंजन के अंदर क्या होता है, डीजल इंजन के अंदर 3 द्वार होते हैं। डीजल जो अपना इंजन होता है इसमें कितने द्वार होते हैं, 3 द्वार होते हैं। एक तो द्वार होता है आई, एक होता है ओ, एक होता है एफ। ये प्रवेश द्वार होता है, ये फिर से क्या होता है, निकास द्वार होता है,
और ये जो द्वार है ये किसके लिए होता है, ये द्वार होता है ईंधन के लिए, फ्यूल अपने जिसे बोलते हैं एफ, ईंधन के लिए ये द्वार जो है वो होता है। तो जो डीजल इंजन होता है इसमें दो की बजाय कितने द्वार होते हैं, तीन द्वार होते हैं। पीछे जो अपने इंजन पढ़ रहे थे उसमें दो द्वार थे और एक क्या था उसमें प्लग था, स्पार्किंग प्लग एस था, परंतु इसमें ऐसा नहीं है, इसमें क्या है एक तीसरा द्वार होता है। जो कौन सा द्वार है, एफ द्वार है, यानी अपने पास में क्या है ये द्वार जो है वो डीजल के प्रवेश के लिए है, ठीक है। और इंजन बना लेते हैं अभी, देखिए ये जो इंजन है इसकी कार्यविधि की बात भी अपने साथ के साथ कर लें। एक तो इसके अंदर क्या होगा कि जो अपने पास में चरण आएंगे या जो स्ट्रोक आएंगे, पीछे वाले के अंदर सिर्फ चार स्ट्रोक थे, पहला अपना स्ट्रोक बर्न स्ट्रोक था, उसके बाद में अपने पास में इसका संपीड़न स्ट्रोक था, फिर कार्य स्ट्रोक था और लास्ट में क्या था रेतन स्ट्रोक था, परंतु इसमें चार की बजाय पाँच स्ट्रोक होंगे। यानी ये जो इंजन है इसमें चार की बजाय कितने स्ट्रोक होते हैं, पाँच स्ट्रोक होते हैं। स्ट्रोकों की शुरुआत, पहला जो स्ट्रोक होता है उसे बोला जाता है चूषण स्ट्रोक, क्या बोला जाता है चूषण स्ट्रोक बोला जाता है, और दूसरे स्ट्रोक को बोला जाता है संपीड़न स्ट्रोक, और तीसरा जो इसके अंदर स्ट्रोक आता है वो आता है अंतःक्षेपण स्ट्रोक। तीसरा जो स्ट्रोक है वो कौन सा स्ट्रोक आता है, तीसरा स्ट्रोक इसके अंदर आता है तेल का अंतःक्षेपण स्ट्रोक, ठीक है, तेल का अंतःक्षेपण स्ट्रोक। और चौथा स्ट्रोक जो इसके अंदर आता है वो वही है कार्य स्ट्रोक, और पांचवा जो आता है रेचन स्ट्रोक, ठीक है। पांचवा कौन सा स्ट्रोक है, रेचन स्ट्रोक है। तो ये दो स्ट्रोक तो वही है जो पहले आए थे, ये संपीड़न स्ट्रोक भी उसके जैसा ही है, परंतु ये जो स्ट्रोक है जो अपने इसके अंदर बर्न स्ट्रोक बोल रहे थे, बर्न स्ट्रोक बोल रहे थे, उसकी जगह अपने कौन सा स्ट्रोक है, ये चूषण स्ट्रोक अपने इसके अंदर बोलते हैं। इसके अंदर देखो बर्न स्ट्रोक के अंदर तो क्या था, वायु और पेट्रोल दोनों भरे जा रहे थे, बर्न जो स्ट्रोक था उसके अंदर वायु और पेट्रोल दोनों भरे जा रहे थे, परंतु चूषण जो स्ट्रोक है इसके अंदर सिर्फ जो बाहर की वायु है उसी को क्या किया जाएगा, अवशोषित किया जाएगा, और अंतःक्षेपण के अंदर क्या किया जाएगा, डीजल जो है उसे प्रवेश करवाया जाएगा, ठीक है। बाकी स्ट्रोक जो है उसके जैसे है। तो पहले अपने इंजन बना लेते हैं, देखिए ये इस तरीके का इंजन है, इसमें ये बिल्कुल उसी के जैसा है जैसा आपने पहले बनाया था, ये इस तरीके का इंजन है। सबसे पहले पिस्टन की गति बाहर की ओर होगी, जब ये बाहर की ओर गति करेगा तभी क्या होगा, जो वायु है वो इस सिलेंडर के अंदर प्रवेश कर पाएगी। तो सबसे पहले तो आप लोग यही बोलोगे कि अपने पास में यहाँ क्या होता है, एक सिलेंडर होता है, पिस्टन युक्त सिलेंडर होता है, ठीक है, और इस सिलेंडर के अंदर क्या लगा रहता है, एक गतिशील वायुरोधी पिस्टन लगा होता है। तो सबसे पहला तो आप इसके अंदर ये लिखोगे कि एक पिस्टन युक्त अपने पास में खोखला सिलेंडर होता है, अंदर से खाली होता है ये, और ये वही द्वार आई और ये ओ और ये आ जाएगा इसके अंदर फ्यूल एफ, ठीक है, ये क्या आ जाता है फ्यूल द्वार आ जाता है, एफ द्वार जो है वो आ जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर कितने द्वार है, इसके अंदर तीन द्वार है, एक आई एक एफ और एक ओ। और सबसे पहले इसका जो चरण आता है वो कौन सा चरण आता है, सबसे पहले इसका जो चरण है वो आता है चूषण स्ट्रोक अपने जिसे बोलते हैं। इस तरफ अपने डायग्राम बनाएंगे, इसका सूचक आरेख बनाएंगे, क्योंकि अपने थ्योरी इसकी सूचक आरेख से ही पढ़नी है। तो सबसे पहले इसका सूचक आरेख, इस तरफ आयतन जो एक्स एक्स है, इसकी ओर आयतन, वाई एक्स की ओर दाब, इस तरीके से ए और बी चक्कर आएगा, ए और बी, ये सी और ये डी, ठीक है, ए बी सी डी, बीच में वो बच गया कार्य वाला बच गया, डी ई और बी, ठीक है, यहाँ से इस तरीके से ये लाइन बिल्कुल सीधी है, सीधी बनाना है इसे, बिल्कुल सीधी लाइन है ये,
नियत दाब पर अपने इसके अंदर अंतःक्षेपण किया जाता है डीजल का। तो ये लाइन बिल्कुल सीधी है और ये लाइन भी बिल्कुल सीधी है, ये लाइन, ठीक है। तो ये अपने पास में इसका क्या आता है, सूचक आरेख आता है। तो आपका सबसे पहला काम यही होता है, एक तो आप लोग सूचक आरेख याद रख लेना है इसका, ठीक है। दूसरा आपको इसके अंदर क्या करना है, दूसरा आप लोगों को इसके अंदर ये जो डायग्राम बने हुए हैं इसके, ये डायग्राम आपको याद रखने हैं। और देखिए सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं इसका जो पहला स्ट्रोक है, पहले स्ट्रोक का नाम मैंने आपको क्या बताया है, पहले स्ट्रोक का नाम मैंने आपको बताया है चूसन स्ट्रोक, ठीक है। तो देखिए जो आपका पहला स्ट्रोक चूसन स्ट्रोक है इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये जो पिस्टन है ये जिस गतिपालक के साथ में जुड़ा हुआ है उससे ये बाहर की ओर गति करता है। यानी जो पहला इसका स्ट्रोक आता है उसके अंदर ये जो पिस्टन है किस ओर गति करता है, बाहर की ओर गति करता है। और इसकी बाहर की ओर गति है उसकी वजह से सबसे पहले कौन सा द्वार खुलता है, द्वार आई खुलता है। और द्वार आई से वायुमंडलीय दाब पर इसके अंदर क्या ब्रिज आती है, जो बाहर की वायु है वो इसके अंदर प्रवेश कर जाती है। तो ये इसका सबसे पहला चक्कर है, जो कौन सा स्ट्रोक है इसका, चूसन स्ट्रोक है। और ग्राफ के अंदर अगर आप लोग इसे बताओगे तो ग्राफ के अंदर अपने इसे ए और बी के द्वारा इसे दर्शाते हैं। तो ग्राफ में ए बी से दर्शाते हैं, सबसे पहले पिस्टन जो है वो किस ओर गति करता है, बाहर की ओर गति करता है, ठीक है। ये इसका पहला स्ट्रोक आ जाता है। दूसरा स्ट्रोक देखिए, दूसरे स्ट्रोक में ये इंजन आ जाएगा आपका, और अब जो है इंजन अंदर की ओर गति करेगा। देखिए ये लगातार घूमता रहेगा, इंजन जो है वो किस ओर गति करेगा, ये पिस्टन जो है किस ओर गति करेगा, अंदर की ओर गति करेगा। ये बड़ा स्ट्रोक है, ठीक है। ये घूमता हुआ आगे पहुंच गया इस तरीके से, और ये पिस्टन जो है वो किस ओर गति करता है, अंदर की ओर गति करता है, ठीक है। अंदर की ओर गति करेगा, अंदर की ओर गति करने की वजह से इसके अंदर जो अपनी वायु भर रखी है उस वायु का क्या हो जाता है, संपीड़न होना शुरू हो जाता है। यानी आपका जो संपीड़न स्ट्रोक है इसके अंदर पिस्टन गति करता हुआ किस ओर जाना प्रारंभ कर देता है, अंदर की ओर जाना प्रारंभ कर देता है, जिससे क्या होगा, जिससे ये अंदर की ओर जाएगा। और अंदर की ओर जाने की वजह से इसके अंदर जो आप लोगों ने कार्यकारी पदार्थ भर रखा है, यानी आप लोगों ने जो वायु इसके अंदर भर रखी है उस वायु का क्या होना शुरू हो जाता है, संपीड़न होना शुरू हो जाता है। जब वायु का संपीड़न होगा तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो ये ग्राफ जो है वो क्या हो रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। ग्राफ ऊपर की ओर जाने का मतलब हो गया कि इसके अंदर जो दाब है और इसके अंदर जो ताप है दोनों के मान में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो दाब और ताप के मान में जो वृद्धि हो रही है वो वृद्धि एक तो हो रही है 1000 डिग्री सेंटीग्रेड और वायुमंडलीय दाब जो है वो 45 वायुमंडलीय दाब हो जाता है, ठीक है। आयतन की अगर बात करें तो आयतन जो है वो प्रारंभिक आयतन का 1/17 भाग जो है वो बच जाता है, ठीक है। ये जो आपके पास में दूसरा स्ट्रोक है, संपीड़न स्ट्रोक जो आपके पास में है, इस संपीड़न स्ट्रोक में क्या होगा, संपीड़न स्ट्रोक के अंदर आयतन जो है वो कितना बच जाएगा, प्रारंभिक आयतन का 1/17 भाग बच जाता है, ठीक है। दूसरा ये देख सकते हो आप लोग, दाब जो है इसका मान बढ़कर के कितना हो जाता है, यानी वायुमंडलीय दाब जो है उससे दाब का मान बढ़कर के कितना हो गया, 35 वायुमंडलीय दाब हो गया। और जो ताप है, ताप कितना हो जाता है, ताप 1000 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, ठीक है। यहाँ से आप लोग देख सकते हो ताप का मान कितना बढ़ गया, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ चुका है। और वायुमंडलीय दाब जो है वो कितना बढ़ गया है, 35 वायुमंडलीय दाब तक बढ़ गया है। तो इसके अंदर आप लोग बता दोगे कि इस चक्कर को तो आपने, ये तो पहला चक्कर था जिसका नाम आपने लिखा था चूसन स्ट्रोक, और दूसरा जो स्ट्रोक है वो कौन सा है, दूसरा स्ट्रोक है आपका संपीड़न स्ट्रोक। दूसरा स्ट्रोक जो है वो कौन सा स्ट्रोक है, संपीड़न स्ट्रोक है, ठीक है। तो संपीड़न स्ट्रोक के डायग्राम, दो नंबर जो डायग्राम है वो संपीड़न स्ट्रोक है। और ये जो सूचक आरेख है इसके अंदर अपने इसे किससे दर्शाया गया है, बी सी जो वक्र है सूचक आरेख में दर्शाया गया है, और ए बी जो दर्शाया गया है वो किसको दर्शा रहा है, चूसन स्ट्रोक को दर्शा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके दो स्ट्रोक जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद में आपका तीसरा स्ट्रोक पहुंचता है, तीसरा स्ट्रोक जो है वो आता है आपका तेल का अंतःक्षेपण स्ट्रोक। तीसरा जो स्ट्रोक है वो आ जाता है तेल का अंतःक्षेपण स्ट्रोक। यहीं पर बना देता हूँ इसके पास में, इसे छोटा कर देते हैं,
तीसरा जो स्ट्रोक है इसका वो आता है तेल का अंतःक्षेपण स्ट्रोक। जब इतना सब कुछ हो चुका होता है तो उसी समय अपनी ये द्वार खुल जाता है फ्यूल वाला, ये जो द्वार होता है F, ये द्वार खुल जाता है और डीजल की एक तीव्र धार जो है वो क्या करती है, इस सिलेंडर के अंदर प्रवेश करती है। ठीक है, यहाँ आप लोग ये बना सकते हो। ये वाला ठीक है, ये इसके साथ में है। तो अपने ये जो है ये कौन सा स्ट्रोक है, तीसरा स्ट्रोक है। यहाँ क्या अपने करते हैं, तेल का अंतःक्षेपण करते हैं। ठीक है, और इस स्ट्रोक को आप लोग क्या नाम दोगे, इस स्ट्रोक को नाम दिया जाएगा तेल का अंतःक्षेपण स्ट्रोक। ठीक है, तेल का अंतःक्षेपण स्ट्रोक। देखिए यहाँ पर क्या होगा, यानी जब इसका तापमान जो है वो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच चुका हो, वायुमंडलीय दाब कितना हो चुका हो, 35 वायुमंडलीय दाब हो चुका हो, उस समय इसके अंदर कौन सा द्वार खुलता है, ये ईंधन द्वार खुलता है, फ्यूल द्वार खुलता है। और यहाँ से क्या होता है, डीजल की एक तेज धार जो है धार के रूप में इसके अंदर डीजल को क्या करवाया जाता है, प्रवेश करवाया जाता है। यानी इस द्वार से डीजल क्या करता है, प्रवेश करता है। ठीक है, तेज धार के साथ में डीजल जो है वो प्रवेश करता है। और साथ में ध्यान रखना है ये जो प्रोसेस हो रहा है ये किस पर हो रहा है, ये स्थिर दाब पर हो रहा है। जो सूचक आरेख है उसके अंदर आप लोग देख सकते हो, दाब जो है दाब का मान अपने क्या रखना है, स्थिर रखना है। यानी ये जो प्रक्रम हो रहा है या ये जो स्ट्रोक हो रहा है, ये जो चक्कर चल रहा है, ये किसके अंदर चल रहा है, ये स्थिर दाब के अंदर चल रहा है। ठीक है, ये अपने जो स्ट्रोक चला रहे हैं अपने किसके अंदर चल रहा है, ये स्थिर दाब पर चल रहा है, नियत दाब पर चल रहा है। यानी दाब का मान नियत रखते हुए नियत दाब के ऊपर इसके अंदर क्या किया जाता है, डीजल की तेज धार जो है उसका प्रवेश करवाया जाता है। ठीक है, तो ये चक्कर जो है किसके अंदर चलता है, स्थिर दाब के अंदर चलता है, और डीजल की एक तेज़ धार जो है वो अपने इसके अंदर प्रवेश करवाते हैं, जिससे इसके अंदर जैसे ही आप लोग डीजल को डालोगे इसके अंदर दहन होना प्रारंभ हो जाएगा और तापमान जो है बढ़ करके 2000 डिग्री सेंटीग्रेड, हाँ ठीक है, तापमान जो है वो बढ़ करके कितना हो जाता है, 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। जैसे ही आप लोग इसके अंदर प्रवेश करवाते हो डीजल को, तो तापमान बढ़ करके कितना हो जाता है, 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। ठीक है, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि ये जो संख्याएं अपने इसके अंदर लिख रहे हैं, जैसे अपने बाकी जो पार्ट लिखा है आप लोगों को पता है कि अपने थ्योरेटिकल पार्ट लिख रहे हैं, तो सीधा सीधा अगर आप लोग इसे देखोगे तो एक तो इसके अंदर ये जो आप लोग डायग्राम बना रहे हो ये, दूसरा इसका जो आप लोग सूचक आरेख बना रहे हो ये सूचक आरेख, तीसरा इसके अंदर जो थोड़ी बहुत संख्याएं आ रही है, संख्यात्मक मान आ रहा है, जैसे 1000 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है, 35 वायुमंडलीय दाब आ रहा है, एक यहाँ पर 2000 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है, एक ये 1/17 भाग आ रहा है, एक जब अपने इसका दक्षता लिखेंगे तो ये जो संख्यात्मक मान आ रहा है, इन संख्यात्मक मान को आप लोग जरूर याद रखना, और बिल्कुल वही याद रखना जो सामने मैंने लिखा है, यानी आपकी बुक में जो मान लिखे हुए हैं बिल्कुल उन्हीं मानों को आप लोग क्या करना, याद रखना। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले इन्हीं बातों पर सामने ध्यान जाएगा। तो ये जो स्ट्रोक है, इस स्ट्रोक का नाम क्या है, इस स्ट्रोक का नाम है तेल का अंतःक्षेपण स्ट्रोक। इस स्ट्रोक के अंदर क्या होगा, मैंने आपको बताया कि स्ट्रोक के अंदर स्थिर दाब पर डीजल की एक तेज़ धार जो है वो क्या करवाई जाती है, सिलेंडर के अंदर प्रवेश करवाई जाती है। जैसे ही आप लोग सिलेंडर के अंदर डीजल को प्रवेश करवाते हो, डीजल इतना ज़्यादा तापमान और दाब होने के कारण अचानक से क्या हो जाता है, जलना प्रारंभ कर देता है। और जैसे ही वो जलना प्रारंभ करता है, तापमान बढ़ करके 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से कितना हो जाता है, 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। और सूचक आरेख में अपने इसे किससे दर्शाएंगे, सूचक आरेख में अपने जो CD बना रखा है उस CD को अपने किसके द्वारा दर्शाएंगे, इस सूचक आरेख के द्वारा दर्शाएंगे। यानी सूचक आरेख CD जो है वो कौन से स्ट्रोक को दर्शा रहा है, वो तेल के अंतःक्षेपण स्ट्रोक को दर्शा रहा है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रोक है ये आपका पहला स्ट्रोक आ गया, फिर ये जो स्ट्रोक है ये दूसरा स्ट्रोक आ गया, और ये जो स्ट्रोक है वो कौन सा आ गया, तीसरा स्ट्रोक आ गया। दो स्ट्रोक आप लोगों के बचे, उनकी बात भी अपने कर लेते हैं। तो एक तो आपका स्ट्रोक बचा है इसके अंदर कार्य स्ट्रोक, और एक स्ट्रोक बचता है आपके पास में इसका रेचन स्ट्रोक। ठीक है, देखिए जो चौथा आपके पास में स्ट्रोक है इसके अंदर, वो जो स्ट्रोक है उसका नाम है
कार्य स्ट्रोक। यहां भी आप लोग देख सकते हो कि कार्य जो है वो सिर्फ एक स्ट्रोक के अंदर हो रहा है, इसी एक कार्य स्ट्रोक में ही कार्य हो रहा है, बाकी कि किसी भी स्ट्रोक के अंदर कार्य नहीं हो रहा है। इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्या कर दिया जाएगा, एक गतिपालक चक्कर जो है वो जोड़ दिया जाएगा, और ये बाहर की ओर गति करेगा कार्य स्ट्रोक के अंदर। जो चौथा स्ट्रोक है इसके अंदर ये क्या करेगा, बाहर की ओर कार्य करेगा, कार्य स्ट्रोक है भाई ये। सूचक आरेख के अंदर अपने इसे डी ई के द्वारा दर्शाया गया है, यानी जो सूचक आरेख इसके अंदर है उसके अंदर अपने इसे डी ई से दर्शाया गया है। और डायग्राम ये जो सामने बना हुआ है ये कार्य स्ट्रोक का ही डायग्राम बना है, ठीक है। अब देखिए स्ट्रोक में क्या होता है, ये जो स्ट्रोक है कार्य स्ट्रोक, इसके अंदर अपने कोई भी द्वार जो है उसे खुला नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। जो कार्य स्ट्रोक होता है, कार्य स्ट्रोक के अंदर अपने सभी द्वार जो है वो क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। सभी द्वार कौन कौन से, द्वार आई एफ और ओ, यानी आपका जो प्रवेश द्वार है, जो निकास द्वार है और जो ईंधन द्वार है, तीनों द्वार इसके अंदर क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। और तीनों द्वार बंद होने पर जो कार्यकारी पदार्थ भरा हुआ है उसका क्या होता है, रुदोषम प्रसार होता है, ठीक है। कार्यकारी पदार्थ का क्या होता है, रुदोषम प्रसार होता है। और आपको याद होगा कि जब अपने लास्ट वाला इंजन पढ़ रहे थे, यानी जब अपने पेट्रोल इंजन की बात कर रहे थे, तो पेट्रोल इंजन के अंदर भी क्या हो रहा था, रुदोषम प्रसार हो रहा था। तो यहाँ भी क्या होगा, रुदोषम प्रसार होगा। जैसे ही कार्यकारी पदार्थ का रुदोषम प्रसार होगा तो ये जो पिस्टन लगा हुआ है, ये पिस्टन क्या होगा, तेज गति से बाहर की ओर गति करेगा, ठीक है। जो ये स्ट्रोक है इसके अंदर तीनों द्वार बंद हो गए, कार्यकारी पदार्थ का क्या होगा, रुदोषम प्रसार होगा। तो रुदोषम प्रसार होगा उसकी वजह से ये पिस्टन जो है किस ओर गति करेगा, तेज गति से बाहर की ओर गति करेगा। जैसे ही ये तेज गति से बाहर की ओर गति करेगा, ये क्या कर देगा, चक्कर जो है वो घूमना प्रारंभ कर देगा। जैसे ही ये घूमना प्रारंभ करेगा तो आप लोग सूचक आरेख में भी इसे देख सकते हो, ताप और दाब जो है उसके मान में क्या आ रही है, कमी आ रही है, ठीक है। सूचक आरेख के अंदर भी आप लोग देख सकते हो कि जो ताप और दाब है, ताप और दाब दोनों के मान में क्या आ रही है, कमी आ रही है, ठीक है। जो रुदोषम प्रसार है उसके होने के बाद में अपने इंजन कार्य कर रहा है, और ताप और दाब दोनों के मान में क्या आ रही है, कमी आ रही है। इसे अपने इस तो डायग्राम से दर्शा देंगे, जो सामने डायग्राम बना हुआ है, चार नंबर डायग्राम जो बना है कार्य स्ट्रोक का डायग्राम है। और सूचक आरेख की अगर अपने बात करें तो सूचक आरेख में डी ई जो दर्शा रहा है सूचक आरेख, वो किसको दर्शा रहा है, वो कार्य स्ट्रोक को दर्शा रहा है, ठीक है। बिल्कुल लास्ट के अंदर कौन सा चक्कर आ जाता है, इसमें रिथम स्ट्रोक आ जाता है। तो लास्ट जो अपने पास में स्ट्रोक है वो कौन सा स्ट्रोक है, वो है रिथम स्ट्रोक। एक तो आप लोग स्केल से ये जब डायग्राम बनाओ तो सिलेंडर की साइज जो है वो एक जैसी रखना, ठीक है। ये जो साइज है इसे एक जैसी रखना, पांचों डायग्रामों को एक जैसा बनाना, बस इन्हें अलग बनाना है आपको। ये जो पिस्टन इस जगह लगा हुआ है, ये कभी इस ओर जा रहा है, कभी इस ओर जा रहा है, यानी कभी बाहर की ओर गति कर रहा है और कभी क्या कर रहा है, ये अंदर की ओर गति कर रहा है, ठीक है। तो रिथम स्ट्रोक के अंदर ये इस ओर गति करेगा, इस ओर गति करेगा ये, ठीक है। और ये जो स्ट्रोक है कौन सा स्ट्रोक आ जाता है, ये अंतिम स्ट्रोक आ जाता है जिसे बोला जाता है रिथम स्ट्रोक, ठीक है। अपना जो इंजन कार्य कर रहा है, इंजन कार्य करते हुए तो इस स्ट्रोक के अंदर क्या होता है, अपना इंजन कार्य करते हुए इस जगह पहुंच जाता है, और इस स्ट्रोक के अंदर अपना पिस्टन जो है वो किस ओर गति करता है, अंदर की ओर गति करता है। पिस्टन अंदर की ओर गति करता है तो इसके अंदर तीन द्वार बने हुए हैं, ये एफ है और ये कौन सा द्वार है, ये ओ है, ये आई ओ और एफ द्वार है। इस समय ये जो द्वार ओ है, निकास द्वार ओ जो है वो क्या हो जाता है, खुल जाता है। यानी इस चक्कर के अंदर कौन सा द्वार खुल जाता है, निकास द्वार ओ जो है वो खुल जाता है। जैसे निकास द्वार ओ खुलता है तो जो अनुपयुक्त आपके पास में पदार्थ पड़ा हुआ है, यानी जो वायु बची हुई है या जो डीजल बचा हुआ है, जो कुछ भी अनुपयुक्त पदार्थ बचा हुआ है वो इस निकास द्वार से क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। और इसी के साथ में आपका ये जो कंप्लीट चक्कर है वो पूरा हो जाता है, ठीक है। और इसे सूचक आरेख के अंदर अपने किससे दर्शाया गया है, इसे ई बी जो है, ये वक्र ई बी किसे दर्शा रहा है, ये रिथम स्ट्रोक को दर्शा रहा है, ठीक है। और रिथम स्ट्रोक के साथ ही आपका जो ये इंजन है, इन पांचों स्ट्रोकों से इंजन का एक चक्कर जो है वो पूरा हो जाता है, ठीक है। यानी ये जो पांचों स्ट्रोक है
ये पांचों स्ट्रोक पूरे हो जाते हैं, और जैसे ही ये पांचों स्ट्रोक पूरे हो जाते हैं, इन पांच स्ट्रोकों के पूरा होने के बाद में इंजन जो है उसका एक चक्कर जो है वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, यानी आपके जो पांच स्ट्रोक थे, कौन कौन से स्ट्रोक, पहला स्ट्रोक चूसन स्ट्रोक, दूसरा संपीड़न स्ट्रोक, तीसरा स्ट्रोक आपने इसके अंदर देखा अंतःक्षेपण, तेल का अंतःक्षेपण पूरा नाम लिखना, और चौथा जो स्ट्रोक है इसके अंदर आपने देखा है तेल के अंतःक्षेपण के बाद में इसका कार्य स्ट्रोक आ रहा था, और कार्य स्ट्रोक के बाद में कौन सा स्ट्रोक आ रहा है, इसके अंदर रेचन स्ट्रोक आ रहा है। इन पांचों स्ट्रोकों के कंप्लीट होने के बाद में आपका ये जो इंजन है, डीजल इंजन है, इसका एक चक्कर जो है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, इसके बाद में ये आपका सिलेंडर जो है ये पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, खाली हो जाता है, और फिर से एक नया चक्कर जो है वो प्रारंभ होता है, और फिर से ये पांचों चक्कर आते हैं। इस प्रकार से ये चक्कर जो है वो लगातार चलते रहते हैं। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक था डीजल इंजन। ठीक है, डीजल इंजन के अंदर पांचों डायग्रामों को याद रखना है, और उसके अलावा आपको क्या करना है, ये जो इसका सूचक आरेख बना हुआ है इसे याद रखना है। ठीक है, इसके अंदर कुछ एक बातें अगर अपनी और देखें तो एक तो दक्षता की बात करनी है आप लोगों को। दक्षता जो है इसकी 65% होती है, डीजल इंजन की अगर बात की जाए तो इसकी दक्षता जो है वो कितना प्रतिशत होती है, 65% होती है। ठीक है, जो डीजल इंजन है इसकी दक्षता कितनी होती है, 65% होती है। ये आदर्श डीजल इंजन की दक्षता है। ठीक है, जो आपके पास में एक आदर्श डीजल इंजन है उसकी दक्षता की अगर बात करोगे तो आदर्श डीजल के इंजन की दक्षता कितनी होती है, 65% होती है। ठीक है, परंतु आपको पता है कि आदर्श इंजन तो अपनी बना ही नहीं सकते, तो व्यवहारिक रूप से अगर दक्षता की बात की जाए तो व्यवहारिक रूप से इसकी दक्षता जो है वो कितना प्रतिशत होती है, 55% होती है। ठीक है, तो दोनों इंजनों की अगर बात की जाएगी तो आपका जो ये इंजन है इसकी दक्षता 65% है, और व्यवहारिक जो इंजन है इसकी दक्षता कितनी होगी, 55% होगी। ठीक है, तीनों इंजनों की बात नहीं कर रहे हैं, जो डीजल का आदर्श इंजन है उसकी दक्षता 65% है, और डीजल का जो व्यवहारिक इंजन होता है इसकी दक्षता कितनी होती है, 55% होती है। यानी आप लोग जो ईंधन काम ले रहे हो उसमें से 55% जो है वो किस में बदलता है, कार्य में बदल जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ में आपका डीजल इंजन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। देखिए, डीजल इंजन जो है वो अपने अगर देखें डीजल इंजन की, तो डीजल इंजन जो है वो पेट्रोल इंजन की तुलना में अपने अच्छा मानते हैं। क्यों मानते हैं, वो इसलिए मानते हैं कि डीजल इंजन की दक्षता जो है वो क्या होती है, पेट्रोल इंजन से ज़्यादा होती है। ठीक है, डीजल इंजन की दक्षता क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो दक्षता ज़्यादा होने की वजह से जो भारी वाहन है उन भारी वाहनों के अंदर जो इंजन लगाया जाता है वो कौन सा इंजन लगाया जाता है, वो लगाया जाता है डीजल इंजन। जो हल्के वाहन है उनके अंदर अपने पेट्रोल इंजन को रखते हैं, और जो अपने पास में भारी वाहन होते हैं उनके अंदर कौन सा इंजन लगाया जाता है, डीजल इंजन लगाया जाता है। ठीक है, जैसे अपने ट्रक वगैरह हो जाते हैं या बस वगैरह हो जाती है, तो उनके अंदर अपने कौन सा इंजन लगाया जाता है, उनमें डीजल इंजन जो है वो लगाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा आपको पता है कि डीजल जो है वो पेट्रोल की तुलना में क्या होता है, सस्ता होता है। ठीक है, ये देख लेना सस्ता होता है या नहीं होता है, क्योंकि अभी आपको पता है कि डीजल के दाम एक बार पेट्रोल से भी ज़्यादा हो गए थे। ठीक है, तो आप लोग ये भी इसमें लिख सकते हो कि डीजल जो है वो पेट्रोल की तुलना में क्या मिलता है, सस्ता मिलता है। ठीक है, एग्ज़ाम के समय देख लेना भी सस्ता है या महंगा है। तो ये फ़र्क है दोनों के अंदर, पेट्रोल इंजन में और डीजल इंजन में। तो इसी के साथ में आपके ये जो इंजन है वो कंप्लीट हो जाते हैं, और आप लोग ये मान सकते हो कि आपकी जो ये थर्ड यूनिट है इसका दो पार्ट में अपने से पढ़ते हैं, फर्स्ट पार्ट और इसका सेकंड पार्ट। तो इन इंजनों के साथ में इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, और अब इसका सेकेंड पार्ट जो है वो शुरू होता है यूनिट थर्ड का, और वो पार्ट आता है अपने एंट्रोपी के रूप में। ठीक है, एंट्रोपी के रूप में अपने आएगा, और उसके अलावा अपने इसके अंदर ऊष्मागतिकी का तीसरा नियम भी जो है वो इसके अंदर पड़ेंगे। ठीक है, हालांकि अपने इतना समय नहीं बचा है, फिर भी थोड़ा बहुत बता देता हूँ आपको। देखिए, एक तो अब तक अपने जितना पढ़ा है उसके अंदर देखिए आप लोग, एक तो आप लोगों ने जो कार्नो चक्र पढ़ा है, कार्नो इंजन पढ़ा है। कार्नो इंजन हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है, कार्नो इंजन से जब भी प्रश्न आता है तो मान करके चलिए 5 नंबर का प्रश्न जो है वो आराम से आप लोगों से पूछा जा सकता है। दूसरा, ये 3 इंजन जो आप लोगों ने पढ़े हैं, बाप का इंजन जो पढ़ा है, डीजल इंजन जो आपने पढ़ा है, ऑटो या पेट्रोल इंजन जो आप लोगों ने पढ़ा है, तो यहाँ से भी 5 नंबर का प्रश्न जो है वो आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट तो इसके अंदर सीधा जो आप लोगों ने इंजन पढ़ा था, जो ऊष्मा इंजन पढ़ा था वो भी इंपॉर्टेंट रहता है, परंतु ऊष्मा इंजन की तुलना में कार्नो इंजन जो है
वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो कार्नो इंजन इसके फॉर्मूले ज़रूर याद रख लेना और इनकी थ्योरी जो है उन्हें अच्छे से याद रख लेना उष्मा इंजन वगैरह की। ठीक है, उसके अलावा जो नियम पढ़िए आप लोगों ने वहाँ से डेढ़ नंबर का क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो में अपने एंट्रोपी शुरू करेंगे।